हेलो एंड वेलकम स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पर आज हम भारत की लोकतंत्र डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट्स आर फॉर्म टू गवर्न द स्टेट्स इन एन इफेक्टिव मैनर ईच स्टेट गवर्नमेंट इज लोकेटेड एट द कैपिटल सिटी ऑफ अ स्टेट एवरी इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इज हैडेड बाय द गवर्नमेंट गवर्नर द चीफ मिनिस्टर एंड हर हिज हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ इनफोर्स दम एंड रन द स्टेट अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हीं तीन हिस्सों में बटी होती है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है लेजिसलेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कौन बनाता है लॉ स्टेट की काउंसिल स्टेट uh, की असम्बली बनाती है स्टेट असम्बली और उनको लागू करवाती है इसमें सी एम सी एम के जो कैबिनेट के लोग होते हैं वो प्लस गवर्मेंट इम्प्लॉय आते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं राज्य के सरकारी कर्मचारी ठीक है उसके अंदर पुलिस भी आती है पुलिस प्रशासन उसके अंदर आता है ठीक है अब दूसरी चीज़ है कि अगर कोई डिस्प्यूट की कंडीशन है तो क्या होगा फिर हाई कोर्ट में जाएंगे अगर कोई भी डिस्प्यूट की कंडीशन होगी तो ईच स्टेट हैज़ लेजिस्टिव असेंबली और विधानसभा विच मेक्स द लॉज फॉर द स्टेट जैसे मैंने अभी बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है कानून बनाती है द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एम एल एज आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ फाइव ईयर बाय द पीपल ऑफ़ द स्टेट पाँच साल के लिए चुने जाते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन होता है सेवरल स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो हैव अनदर हाउस कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद इट इज प्रेजेंटेड प्रेजेंट इन स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तो करंट में ये इन स्टेट्स में ड्यूअल सिस्टम है यानी दो असेंबली हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और अ, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके अलावा सारे स्टेट्स में सिंगल है द गवर्नर इज़ हेड ऑफ़ द स्टेट शी ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द टर्म ऑफ फाइव फाइव ईयर पाँच साल के लिए गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है जो कि क्या होता है एक तरह से एजेंट होता है सेंटर का जो स्टेट में सेंटर के लिए काम कर रहा होता है या सेंटर का ऑब्जर्वर होता है जो राज्य में होने वाले कामकाजों को देखता है ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाइस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द स्टेट स्टेट में अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है जस्टिस की ज़रूरत होती है तो वो हाई कोर्ट उसकी सबसे सुप्रीम कोर्ट होती है स्टेट लेवल पे लोअर लेवल पे दीवानी मुकदमे वगैरह जो कुछ भी होते हैं वो स्टेट के हाई कोर्ट तक लड़े जाते हैं और जब हाई कोर्ट में हार या जीत हो जाती है और अगली अपील करनी होती है तो फिर वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं हाउ आर गवर्नमेंट्स फॉर्म इन इंडिया सरकारें भारत में कैसे बनाई जाती हैं कैसे बनती हैं एज़ इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी द सिटीज़न ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नमेंट बाई वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट एंड इलेक्शन भारत में लोकतंत्र है और यहाँ के नागरिक जो हैं सिटीज़न का मतलब नागरिक भारत के नागरिक चुनाव द्वारा अपनी सरकार को चुनते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं वोट देते हैं और अलग अलग पार्टीज़ में से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब अलग अलग पार्टी जैसे कांग्रेस है बीजेपी है आम आदमी पार्टी है और इसी तरह की और पार्टीज़ होती हैं जिनमें से वो अपने प्रतिनिधि चुनती है India has a multi-party system that is a system in which many political parties can fight elections. Sometimes there may not be one single party which get the majority of seats. In such cases, two or more parties may join and form a coalition government. भारत में बहु पार्टी सिस्टम है मल्टी पार्टी का मतलब बहु पार्टी सिस्टम जहाँ सिर्फ दो ही पार्टियाँ होती हैं वहाँ बाय पार्टी सिस्टम होता है यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है कई पार्टियाँ हैं और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लड़ती हैं और जब किसी को एक को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं बाकी की पार्टियाँ इकट्ठी होकर मेजॉरिटी तक की फ़ाइट लड़ती हैं और कॉलिशन गवर्नमेंट या मिली सरकार बनाती हैं इलेक्शन कमीशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेट अप टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री इट फिक्सिस द डेट फॉर इलेक्शन कंडक्ट इलेक्शन एंड डिक्लेयर द रिज़ल्ट आफ्टर काउंटिंग द वोट्स कास्ट बाय द पीपल इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जो है वो भारत में इसलिए बनाया गया ताकि वह फ्री और फेयर इलेक्शन करा सके मतलब लोग बिना डरे अपना वोट दे सकें और किसी अच्छे व्यक्ति को चुन सके यह चुनाव की डेट्स फिक्स करता है कहाँ कहाँ पे चुनाव कब होंगे नहीं, ये डेट फिक्स करना इलेक्शन कमीशन का काम है वहाँ की वोटर्स की लिस्ट बनाना लिस्ट के अलावा जो लड़ रहे हैं फाइट कर रहे हैं नेता लोग प्रत्याशी चुनाव के लिए उनको उनके चिन्ह देना चिन्ह का मतलब आप कोई अगर इंडिपेंडेंट खड़ा होता है आपको जैसे पता है अगर हाथ का निशान है तो वो कांग्रेस पार्टी का अगर फ्लावर है कमल का निशान है तो वो जनता पार्टी का साइन है अगर आप इस पे वोट करोगे तो इन इस पार्टी के कैंडिडेट को वोट जाएगा तो उसी तरह से अलग अलग इंडिपेंडेंट लोगों के भी चुनाव चिन्ह देता है ये इलेक्शन कमीशन का काम पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर पॉलिटिकल एम एंड ओपिनियन द पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन मोर देन फोर स्टेट्स ऑफ कंट्री आर नोन एज नेशनल पार्टीज द इंडियन नेशनल कांग्रेस आई एंड द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आर एग्ज़ाम्पल ऑफ नेशनल पार्टीज़ अदर पार्टीज़ आर फॉर्म्ड ओनली इन सर्टेन रीजन ऑफ इंडिया एंड आर नोन एज रीजनल पार्टीज द ए आम आदमी पार्टी शिरोमणि अकाली दल एंड तेलुगुदेशम पार्टी आर एग्ज़ाम्पल ऑफ रीजनल पार्टीज़ देखिए पोलिटिकल पार्टीज़ दो तरह की होती हैं जो चार से ज़्यादा स्टेट में कंडक्ट करती हैं अपने इलेक्शन चार से ज़्यादा राज्यों में इलेक्शन लड़ती हैं वो कहलाती है नेशनल पार्टीज़ या राष्ट्रीय दल और उसके अलावा जो सिर्फ़ एक लिमिटेड एरिया तक रहते हैं किसी रीजन तक सिमटे रहते हैं वो कहलाती हैं रीजनल पार्टीज़ जैसे अकाली दल है ये पंजाब और यहाँ दिल्ली एन में इनका थोड़ा बहुत रसूख है और बाकी जहाँ पंजाबी लोग रहते हैं वहाँ पर ये लोग कहीं कहीं पे हैं लेकिन ये फुल फ्लैज नहीं है ज़्यादातर इनका जितना पावर है वो सारी की सारी इनकी पंजाब तक सीमित है इसी तरह जो तेलुगु देशम है वो तमिल बहुल इलाकों में उसका पावर ज़्यादा है तीसरा है इसमें इलेक्शन इन इंडिया इन इंडिया इलेक्शन टेक प्लेस एवरी फाइव ईयर टू इलेक्ट द लीडर ऑफ बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के लिए लोकसभा के चुनाव होते हैं और राज्य सरकार के लिए राज्यसभा के राज्य के स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं ये हर पाँच साल में होते हैं इसके लिए आम आदमी पार्टी जो मतलब नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो उसके लिए वोट करते हैं द होल कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर होल्डिंग इलेक्शन क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं छोटे छोटे और उसके बाद में वहाँ इलेक्शन होते हैं वोटिंग पड़ व्यव पड़ते हैं और वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं पाँच साल के लिए और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिटुएंसी बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग कंटेस्टेंट्स खड़े होते हैं पॉलिटिक अलग पार्टियों के और वो चुनाव लड़ते हैं फिर वहाँ से जो जो जीत कर आते हैं वो बैठते हैं स्टेट असेंबली में ईच फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द अडल्ट सिटीजन कैन कास्ट देयर वोट्स

द पोलिटिकल पार्टी और अ ग्रुप ऑफ पार्टीज दैट विन मोर देन हाफ ऑफ द सीट द लेजिस्लेचर फॉर्म द गमेंट जिनके पास जो पार्टी आधे से ज़्यादा सीट्स लेते हैं जैसे मान लीजिए किसी एरिया में पचास सीटें तो किसी एक दल के पास में पैंतीस सीटें हैं अगर पैंतीस से चालीस सीटें तो वो सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हो गई द अदर पार्टी और पार्टीज़ फॉर्म अपोजिशन और इसके अलावा जो पार्टीज़ छोटे मोटे रह जाते हैं बचते हैं वो अपोजिशन या विपक्ष का रोल प्ले करते हैं लोकतंत्र में विपक्ष एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज उस समय सत्ता में है जो शासन कर रही है रूलिंग पार्टी है उसकी कमियों को बताता है और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको लोकसभा में और स्टेट असम्बलीज में रखते हैं लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए कोई भी जो सिस्टम होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ को जाता है जैसे आपका घर किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में होगी वो सोसाइटी किसी एरिया में होगी वो एरिया किसी सिटी में होगा और वो सिटी किसी स्टेट में आती होगी और वो स्टेट भारत में आता है समझ रहे हैं अगर आपको अपने घर का एड्रेस बताना है तो आप हाउस नंबर लिखोगे फिर गली नंबर लिखोगे उसके बाद में पोस्ट ऑफिस नंबर अगर पोस्ट ऑफिस है वहाँ आसपास कहीं तो उसके बाद में आप अपना एरिया मेंशन करोगे और फिर नीचे न्यू दिल्ली या उत्तर प्रदेश या कुछ डालोगे कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं नॉर्मल एड्रेस में भी इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अगर मान लीजिए झगड़ा हो जाए तो कहाँ लोकल पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे ठीक है सीधा तो सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जाएगा पहले थाने से कोई व्यक्ति आएगा मैटर सॉल्व करने के लिए नहीं हुआ तो केसबाजी हुई तो कोर्ट गए फिर कोर्ट के बाद में नहीं मैटर सॉर्ट आउट हुआ लोअर लेवल पे तो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में भी जस्टिस नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट गए सेम ऐसे ही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गोम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आती है पंचायत एम और एन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है स्टेट असेंबली और सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है पार्लियामेंट नेक्स्ट है आपका ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर का, का काम क्या है इट मेक्स द लॉ एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल जो कानून बनाती है वो लेजिस्लेचर है सिंपल एक लाइन में एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करवाती है वो एग्जीक्यूटिव है इसमें पीएम आते हैं प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट आती है और सारे सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती है परमानेंट और टेम्परेरी टेम्प्रेरी में पीएम आते हैं और परमानेंट में गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ आते हैं क्योंकि वो हमेशा रहते हैं तीस साल के लिए जितना उनका टेन्यर होता है फिर है जुडिशरी जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट की कंडीशन में क्लैरिफाई करना कि गलती किसकी है और उसके हिसाब से जजमेंट देना या सीधा सा झगड़े होंगे तो सुलझाने के लिए न्यायालय है ठीक है और लास्ट में यह है स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने पहले बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मंत्रिमंडल राज्य के मंत्री जो होते हैं चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हो गया और गवर्नर राज्यपाल हो गया अब इसको अगर आप सेंट्रल के लेवल में देखेंगे तो गवर्नर की जगह राष्ट्रपति होगा चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रहेगी लेकिन ये कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए सामाजिक ज्ञान को लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट थैंक यू थैंक फॉर वॉचिंग